या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है, हल्दी में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए, चंदन में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए, अभीर, अभीर एक सफेद कलर का पाउडर होता है, अभीर गुलाल जो होती है गुलाल में अभीर डलता है चमकदार, आपने देखा होगा अभीर हो, तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अभीर को लगा कर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का हो। धतूरे का भी स्मरण होता है महाराज, बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना भीड़ लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। श्री शिवाय नमस्तु।